कोई भी क्वेश्चंस पेपर लास्ट के 5 सालों के। अगर आप आयुर्वेदा फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि रोग निदान और विकृति विज्ञान से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विहान और आयुर्वेदा फार्मासिस्ट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक हमारा रहेगा रोग निदान और विकृति विज्ञान। लेकिन अगर आप पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक भी कोर्सेज ज्वाइन नहीं किए हैं एक्सपर्ट्स के अंडर तो समय से पहले आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें चाहे आप उत्तर प्रदेश आयुर्वेदा फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं या फिर HPPSC पोस्ट कोड 1025 आयुष विभाग के लिए, सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। और अगर अदर कोई भी स्टेट से आप तैयारी करें तब भी व्हाट्सएप कर लेना, क्योंकि इसमें आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। 6 से 7 हज़ार एमसीक्यूज टॉपिक वाइज सीरीज है। डेली टेस्ट आपको मिलते हैं लाइव क्लास के साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स। थ्योरी फॉर्म में भी आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। और लास्ट के लेक्चर्स में हमने रस शास्त्र और वैषज्य कल्पना से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस कर लिया था। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर रहने वाला है रोग निदान के ऊपर, ठीक है। और ये PDF के लिए आपको व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है, या फिर फ्री ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज से हमारा टॉपिक जो है स्टार्ट हो रहा है। चलिए बताइए, क्वेश्चन आपके सामने हैं। यहाँ पर बात हो रही है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ एड्स इज, यानी कि एड्स का जो अंकुरण अवधि है वो कितनी है। क्या ये 15 से 57 दिन तक है, 15 से 57 महीने है, 15 से 57 साल है, या फिर 15 से 57 घंटे हैं। बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को फोकस करिए, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है इंक्यूबेशन ऑफ पीरियड इसका, एड्स का अंकुरण अवधि। द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कितना रहेगा, 15 से 57 महीने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब देखिए थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पर क्लियर करवा देता हूँ। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एड्स का फुल फॉर्म क्या रहता है, एक्वाइर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। फुल फॉर्म पूछता है एग्जामिनर, लेकिन आजकल नहीं पूछते क्योंकि कॉमन सा ये क्वेश्चन है। देखिए एड्स की ऊष्मायन अवधि यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड की बात हो रही है, तो वास्तव में HIV के प्रारंभिक संक्रमण से लेकर रोग के लक्षणों के विकसित होने तक की अवधि की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। क्योंकि जब भी हम बात यहाँ पर अगर कर रहे हैं इंक्यूबेशन की बात कर रहे हैं, ऊष्मायन अवधि की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जब संक्रमण हुआ, ठीक है, संक्रमण से लेकर रोग के लक्षणों के विकसित जो अवधि है, जो टाइम पीरियड है, उसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस हमें देखने को कई बार मिलता है, ठीक है, क्योंकि इसकी भी अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि आपका सेरो कन्वर्जन हुआ, ठीक है, तो सेरो कन्वर्जन क्या है। देखिए सेरो कन्वर्जन का जो समय है, ठीक है, वो 40 से 60 दिनों के बीच होता है, ठीक है। होता क्या है ये देखिए, सेरो कन्वर्जन का समय HIV संक्रमण के प्रारंभिक स्टेज के बाद लैब लैब में टेस्ट के माध्यम से जांचा जा सकता है। और ये टेस्ट शरीर में HIV के खिलाफ एंटीबॉडी की उपस्थिति को खोजता है। सेरो कन्वर्जन का सामान्य समय जो हो 60 से 40 दिन के बीच होता है, ठीक है। तो अभी आपको अगर एग्जामिनर पूछता है कि भाई बताइए सेरो कन्वर्जन, ठीक है, जो कि आपका HIV संक्रमण से संबंधित है, उसका टाइम पीरियड कितना है, तो आपको पता होना चाहिए 40 से 60 दिन है, ठीक है। क्योंकि इसका जो संक्रमण है, ठीक है, प्रारंभिक स्टेज के बाद ये लैब जो लैब में भेजा जाता है, ठीक है, उसके बाद ये जांचा जाता है, ठीक है। और इसका जो टाइम है वो 40 से 60 दिन के रहता है, ठीक है। लेकिन कई मामलों में देखिए ट्रांसफ्यूजन, अब ये ट्रांसफ्यूजन मामले क्या हुए, ठीक है, और इसका जो ऊष्मायन अवधि है वो 7.5 साल है, ठीक है, 7.5 साल, 5 से 7 साल, 8 साल, 10 साल में रहता है, ठीक है। देखिए ट्रांसफ्यूजन मामले क्या होते हैं, जो भी HIV संक्रमण के जो लोग ग्रसित हैं, ठीक है, रक्त संबंधित प्रक्रिया के दौरान संक्रमित रक्त प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, और उन्हें संक्रमण हो जाता है। मतलब कोई किसी को अगर एड्स है तो उससे अगर वो खून ले लेता है, ठीक है, तो उसको भी संक्रमण हो जाएगा, ठीक है। इस प्रक्रिया में रक्त या रक्त उत्पादक उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि आपकी सुई वगैरह हो गई, ठीक है, तो उससे भी एड्स जो वो फैल जाएगा, ठीक है, जिसमें रक्त एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है। यदि दानकर्ता व्यक्ति HIV संक्रमित हो और उनका रक्त इस प्रक्रिया के माध्यम से अन्य व्यक्ति को दिया जाता है, तो उस व्यक्ति को भी संक्रमित वहां पर कर देगा, ठीक है। तो ये तो आपको सभी को मालूम होगा। लेकिन ट्रांसफ्यूजन, या यहाँ पर बात हो रही थी ट्रांसफ्यूजन में, कि जो भी लोग संक्रमित है HIV से और रक्त को आगे से आगे देते हैं, ठीक है, तो वहां पर ये ट्रांसफ्यूजन मामले जो है देखे जाते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे थोड़ा सा, देखिए
क्योंकि थोड़ा सा वास्ट टॉपिक रहता है, तो क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, ठीक है। देखिए, एचआईवी के संक्रमण संपर्क में आने के बाद 1 से 6 सप्ताह, ठीक है, के बीच हाल ही में संक्रमित आधे से 2/3 व्यक्तियों में मोनोन्यूक्लियोसिस जैसी बीमारी विकसित हो जाती है, जिसे हम एक्यूट रेट्रोवायरल सिंड्रोम कहा जाता है, ठीक है। उपचार के बिना संक्रमित वयस्कों में लगभग आधे को संक्रमण के बाद 10 वर्षों के भीतर जो वो एड्स हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि एकदम से हो जाएगा, इसमें टाइम लगेगा, मतलब बिल्कुल धीरे 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 धीरे, और जब फाइनल स्टेज में होगा तो फिर वहां पर 6 महीने या फिर 1 साल के बीच में उसकी फिर डेथ हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉप क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर बात हो रही है अल्ट्रासाउंड में, ठीक है। अल्ट्रासाउंड इज अ मैकेनिकल ऑसिलेशंस विद फ्रीक्वेंसी अबव, ठीक है। अल्ट्रासाउंड में जो आपकी ध्वनिक ऑसिलेशंस है उसकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ये पूछ रहा है। क्या ये 1 किलो हर्ट्स होती है, 10 किलो हर्ट्स होती है, 20 किलो हर्ट्स या फिर 15 किलो हर्ट्स, बताइए जल्दी से, आपने अपना आंसर भी सोचना है। देखिए, अल्ट्रासाउंड में ध्वनिक ऑसिलेशंस की जो आवृत्ति है, ठीक है, वो कितनी है, वो है आपकी 20 किलोहर्ट्स, याद रखो, ठीक है। अब देखिए, इसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, बड़े सिंपल सी लैंग्वेज में आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए, फ्रीक्वेंसी इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है। देखिए, फ्रीक्वेंसी को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी फ्रीक्वेंसी रेंज के ऊपर, ठीक है। देखिए, श्रव्य ध्वनि तरंगे, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, इस तरंग की जो आवृत्ति रेंज है यानी कि फ्रीक्वेंसी रेंज है वो कितनी है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। और क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि अल्ट्रासाउंड में ध्वनिक ऑसिलेशंस की अवधि कितनी है, तब 20 किलो हर्ट्स हमारा हमने सेलेक्ट किया वहां पे, ठीक है। अब देखिए, ये जो रेंज है 20 हर्ट्ज से लेकर 2,000 हर्ट्ज तक, किलो हर्ट्ज तक, ठीक है, मनुष्य इस प्रकार की तरंगों को आसानी से पता लगा सकता है, ठीक है, जो कि आपकी ऑडिबल साउंड वेव्स हैं जिन्हें वो सुन सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपका वोकल कॉर्ड्स हो गए, ठीक है। वोकल कॉर्ड्स यानी कि आपके गले में मौजूद जितने भी आपके छोटे रेखागत स्तरीय संरचनाएं हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जो आपको बोलने के लिए क्षमता प्रदान करती है, ठीक है। अब देखिए, अपश्रव्य तरंगे मतलब इंफ्रासाउंड वेव्स, ठीक है, बनता है इंफ्रासाउंड से भी क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए, बस सिंपल सी चीज है, इंफ्रासाउंड्स में क्या होगा कि इन प्रकार की जो तरंगे हैं, जो रेंज है, ठीक है, उनकी जो रेंज है वो 20 हर्ट्ज से कम होगी, ठीक है। अपश्रव्य यानी कि इंफ्रासाउंड्स की जो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज से कम होगी, ठीक है, और मनुष्य इनका पता नहीं लगा सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए भूकंप, ज्वालामुखी, जितने भी आपके अर्थक्वेक हो गए, वॉलकैनिक इरप्शंस हो गए, ठीक है, और समुद्र की लहरें, सी वेव्स वगैरह हो गई, ठीक है, तो 20 हर्ट्ज से कम होगा, ठीक है। इंफ्रासाउंड वेव्स में हमको काउंट करेंगे जिनका मनुष्य हम पता नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका भूकंप वगैरह हो गए, ज्वालामुखी हो गए, ठीक है, इनका हम पता किस में लगाते हैं, ठीक है, इनका एक अलग पैमाना होता है, ठीक है, लेकिन हम सुन नहीं सकते इन चीज़ों को, ठीक है। जब भी भूकंप आता है तो आप कभी सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते उन चीजों को, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात हो रही है चिकन पॉक्स से रिलेटेड, कि वन टाइम अटैक ऑफ चिकन पॉक्स गिव्स डैश इम्यूनिटी, चिकन पॉक्स का एक बार हमला कितनी अनुभूति प्रदान करता है, यानी कि यहाँ पर क्या बात हो रही है, इंजेक्शन की बात हो रही है, कि अगर एक बार चिकन पॉक्स का अगर इंजेक्शन लगाया जाता है तो वो कितना टाइम तक हमें इम्यूनिटी देगा, हमें सेव करेगा, ठीक है। 1 वर्ष तक करेगा, 2 वर्ष तक करेगा, 3 वर्ष तक करेगा, या फिर जीवन काल तक करता रहेगा। देखिए, वो आपका लाइफ टाइम तक करेगा, ठीक है, जीवन काल तक वो हमें क्या करेगा, इम्यूनिटी यानी कि अनुभूति प्रदान करेगा, हमें सेफ रखेगा, ठीक है। तो जीवन काल याद रखना चिकन पॉक्स से रिलेटेड। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवा देता हूँ। देखिए, चिकन पॉक्स एक संक्रामक रोग है जो वायरस से होता है। इस रोग के हमले के दौरान व्यक्ति को कई लक्षणों का सामना करना पड़ सकता है। ये लक्षण आमतौर पर आपके जैसे कि बुखार हो गया, खांसी हो गया, ठंडा ठंडा यानी कि
ठंडा शरीर भी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, मतलब ठंड लग रही है टाइप, ठीक है, गर्मियों का मौसम लेकिन फिर भी ठंड लग रही है कई बार ऐसा, ठीक है, सिर दर्द हो गया, शरीर में दर्द हो गया, चक्कर आदि हो आपका इसमें हो सकते हैं, ठीक है। छोटे बच्चों में ये रोग जो है वो अधिक प्रभावित हो सकता है और उन्हें उन्हें त्वचा पर लाल दाने आने का अनुभव हो सकता है। ये लक्षण कई सप्ताहों तक दिखाई दे सकते हैं। अधिकांश मामलों में लोगों को इस बीमारी से पूरी तरह से ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये जो रोग है वो गंभीर हो सकता है, खासकर गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए। इसलिए यदि आपको चिकन पॉक्स के लक्षण आते हैं तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है, लेकिन एग्जामिनर ये क्वेश्चंस पूछ लेता है, वायरस का नाम पूछ लेता है, तो याद रखिए चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण जो वो होता है, ठीक है, याद रखो। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर बात हो रही है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स, ठीक है, कि चिकन पॉक्स का अंकुरण अवधि, यहाँ पर भी ये चीज़ पूछी जा रही है, ठीक है, कितना होता है, अगर किसी को चिकन पॉक्स होता है तो कितना टाइम तक रहता है वो, 14 से 16 दिन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, ठीक है। यहाँ पर देखिए डेज ऊपर नीचे हो सकते हैं, 10 से 21 दिन भी रहता है, ठीक है, तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, अच्छे से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो भी रहता है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर 14 से 16 दिन, अगर 10 से 21 होता तब भी सही होता, ठीक है। अब देखिए चिकन पॉक्स का जो अंकुरण अवधि है, इनकी इंक्यूबेशन पीरियड है, 10 से 21 दिन के बीच होती है, यानी जब व्यक्ति चिकन पॉक्स वायरस से संक्रमित होता है तो उसे लक्षणों का प्रकट होने में इस समय की आवश्यकता होती है, ठीक है, मतलब टाइम लगता है थोड़ा सा। यदि किसी व्यक्ति को चिकन पॉक्स के संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे इस रोग के अंकुरण अवधि का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तभी तो कहते हैं कि अगर आपको चिकन पॉक्स वगैरह हुए तो आप एक ही कमरे में रहें, किसी के संपर्क में ना आए, क्योंकि उसको भी वो चीज़ फिर हो सकती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बात हो रही है मीजल्स की, ठीक है। अब इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, क्या ये 10 से 14 दिन है, 2 से 3 दिन है, 6 से 8 दिन है, या फिर 30 से 32 दिन है, मीजल्स का बताना है। मीजल्स क्या होते हैं आपके, ठीक है, जिसको हम खसरा कहते हैं, ठीक है, देखिए इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 10 से 14 दिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अगर आपने सोचा और सही हुआ तो वेल डन। देखिए आपका खसरा, कंठमाला भी इसको हम कहते हैं, रूबेला भी कहते हैं, ठीक है, MMR का टीका लगवाना इसे रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। किसी व्यक्ति को खसरा हो सकता है यदि उसे टीका नहीं लगाया गया तो उसे पहले बीमारी नहीं हुई है, ठीक है, ये छोटे बच्चों में सबसे आम है, ठीक है। खसरा आमतौर पर लगभग 7 से 10 दिनों के बीच जो वो ठीक हो जाता है, ठीक है, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर इंक्यूबेशन पूछता है आजकल, टाइम पीरियड पूछता है, क्योंकि आयुर्वेद फार्मासिस्ट में रोग निदान और विकृति विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ HIV मॉलिक्यूल इज, ठीक है, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है HIV मॉलिक्यूल का सबसे बाहरी कवरिंग है, बताना है, जल्दी से सोचिए इसका सही आंसर। देखिए इसका सही आंसर होगा लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन, ठीक है, यानी कि लिपिड दोहरी परत जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। होता क्या है ये पता होना चाहिए, लिपिड 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 अणुओं की दो परतों की बनी एक झिल्ली होती है, ठीक है, क्लियर, मतलब यहाँ पर क्या बात हो रही है कि जो आपका आउटर मोस्ट कवरिंग है, जो आपका HIV मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसकी यहाँ पर बात हो रही है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, लिपिड वाइलेयर मेम्ब्रेन के नाम से उसको हम जानते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइप्स ऑफ फंगी आर इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, कितने प्रकार के कवक होते हैं, ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आपने बताना है कि यहाँ पर बात हो रही है कि कवक इसमें कौन है, बताइए जल्दी से, देखिए देखिए इसका सही आंसर होगा कवक और खमीर, ठीक है। अब देखिए कवक और खमीर की बात हो रही है तो पता होना चाहिए कि कवक एक विशाल ग्रुप का एक संगठन होता है, ग्रुप रहता है जिसमें एक बड़ी विविधता होती है, ये लकड़ी, मिट्टी और कड़ी जो चट्टानें होती हैं, ठीक है, और सूखे स्थान पर तथा पर्याप्त ऊंचे ऊंचे तापमान ये उगते हैं, ठीक है, हाई टेम्परेचर में, ठीक है, और उनके शारीरिक संरचना में मुख्य विशेषताएं शामिल हैं, कौन कौन से हैं, जैसे कि उनका मोल्ड हो गया, ईस्ट हो गया और मिल्ड्यू हो गया, ठीक है, तो ये तीनों नाम आप याद रख लेना, ठीक है, कवक के, ठीक है, इसमें तीन रहते हैं इंपॉर्टेंट। अब देखिए खमीर की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि ईस्ट की बात हो रही है, खमीर एक विशेष प्रकार का कवक है जो एक सिंगल सेल संरचना में होता है, खमीर के कुछ प्रजातियां खाद्य और पेय पदार्थों में फर्मेंटेशन में
उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि आपका ब्रेड हो गया, बियर हो गया और वाइन वगैरह में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है यहाँ पर माइसीटोमा किस प्रकार की खाद्य स्रावित म्यूकोसिस का उदाहरण है, बताना है। क्या ये सरफेशियल या फिर आपका त्वचा के नीचे का सिस्टमिक सिस्टेमिक हो गया या फिर अवसरवादी हो गया। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें, बेसिक चीजें हैं, ये पता होना चाहिए आपको। माइसीटोमा किस प्रकार की म्योकेसिस का उदाहरण है, देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि त्वचा के नीचे का। ऑप्शंस यहाँ पे चेंज हो सकते हैं, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि माइसीटोमा की अगर बात हो रही है तो वो है क्या चीज। देखिए माइसीटोमा एक रोग है जो अक्सर किसी कवक या बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। ये रोग आमतौर पर त्वचा और मांसपेशियों को प्रभावित करता है। बस माइसीटोमा की बात हो रही है तो किससे किसको प्रभावित करेगा, ये त्वचा और मांसपेशियों को। ठीक है, तो ऑप्शंस में क्या था, त्वचा के नीचे का, ठीक है, यानी कि माइसीटोमा म्योकोसिस का उदाहरण है। तो ऑप्शंस में हमने देखा, ठीक है, ऑप्शंस में हमने देखा कि त्वचा के नीचे का, तो डेफिनेट यही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर बात हो रही है कैंडिडाइसिस किस प्रकार की म्योकोसिस का उदाहरण है। अब यहाँ पर बात हो रही है कैंडिडाइसिस की, बताना है जल्दी से। कैंडिडाइसिस किस प्रकार की म्योकोसिस का उदाहरण है, बताइए जल्दी से। देखिए इसका सही आंसर होगा सिस्टेमिक। ठीक है, सिस्टेमिक इज द राइट आंसर, लेकिन ये है क्या चीज़, ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि ये सिस्टेमिक क्या है, कैंडिडाइसिस क्या है। देखिए कैंडिडाइसिस एक कवक संक्रमण है जो कैंडिडा नामक ईस्ट, ठीक है, के कारण होता है। कैंडिडा की कुछ प्रजातियां लोगों में संक्रमण का कारण बन सकती हैं। सबसे आम कैंडिडा ऑल्विकन्स है, ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में हमने सिस्टमिक को सिलेक्ट किया, तो ये सिस्टमिक क्या है, देखिए सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस एक क्रॉनिक ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेटरी, यानी कि आपका ये सूजन का विकार है एक, ठीक है, जिसमें आपका जोड़ हो गए, किडनी हो गई, त्वचा हो गए, म्यूकस हो गए, ठीक है, म्यूकस झिल्लियाँ हो गई, ठीक है, और जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, उन चीज़ों को ये प्रभावित करता है। ठीक है, तो सिस्टमिक, अब आपको पता चल गया कि कैंडिडाइसिस किस प्रकार की म्यूकोसिस का उदाहरण है, सिस्टमिक का है। ठीक है, और कैंडिडाइसिस की बात अगर करेंगे तो आपको पता है कि एक प्रकार का कवक है जो कैंडिडा नामक ईस्ट के कारण होता है। ठीक है, और सिस्टमिक की बात आपको मैंने बता दी कि जिसमें आपको इन्फ्लेमेटरी से ये रिलेटेड है, जिसमें आपके जोड़, किडनियाँ, त्वचा, म्यूकस, झिल्लियाँ, ठीक है, और आपके ब्लड वेसल्स को ये प्रभावित करेगा। ठीक है, तो बेसिक सी नॉलेज है ये, ठीक है, पता होना चाहिए। लेकिन नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, पेनिसिलोसिस किस प्रकार की म्यूकोसिस का उदाहरण है, बताना है। पेनिसिलोसिस किस प्रकार की म्यूकोसिस का उदाहरण है, क्या ये अवसरवादी, सरफेसियल, त्वचा के नीचे का या फिर सिस्टेमिक का। देखिए अब ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अवसरवादी। ठीक है, अब देखिए अगर आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है ये, ठीक है, पेनिसिलोसिस क्या है ये, देखिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवा देता हूँ। ठीक है, अवसरवादी जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है, अवसरवादी संक्रमण ऐसे संक्रमण है जो स्वास्थ्य प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों की तुलना में कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों से अधिक बार होते हैं या अधिक गंभीर इनको हम कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज यहाँ पर पूछ रहा है कि पेनिसिलोसिस किस प्रकार की म्यूकोसिस का एग्जाम्पल है, तो अवसरवादी, तो ये अवसरवादी क्या है, ठीक है, अवसरवादी संक्रमण ऐसे संक्रमण है जो स्वास्थ्य प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों की तुलना में कमजोर, जो कमजोर यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों में अधिक बार होते हैं, ठीक है, या उससे अधिक गंभीर होते हैं, ठीक है, तो उनको ही हम कहते हैं, ठीक है, अवसरवादी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए आज के टॉपिक में हमने रोग निदान विकृति विज्ञान के बारे में कुछ पढ़ा, जिसमें हमने पेनिसिलोसिस के बारे में पढ़ा, ठीक है, उसके पूरा कंप्लीट हमने कर लिया। ठीक है, उसका हमने कैंडिडाइसिस के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, माइसीटोमा के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, उसका हमने एग्जाम्पल से अच्छे से स्टडी किया। ठीक है, हमने यहाँ पर फंगी के बारे में पढ़ा क्योंकि इम्पोर्टेंट था ये, कवक और खमीर। ठीक है, उसके बाद हमने एचआईवी मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा, ठीक है, जो उसकी आउटर कवरिंग लेयर है, ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है,
उसके बारे में हमने मीजल्स का पीरियड देखा, अंकुरण अवधि देखी, ठीक है, कब होता है ये, और चिकन पॉक्स का अंकुरण अवधि हमने देखी, ठीक है। उसके बाद हमने चिकन पॉक्स का जो इंजेक्शन है उसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, वायरस के बारे में हमने पढ़ा, और हमने यहाँ पर पढ़ा अल्ट्रासाउंड के बारे में पढ़ा कि अल्ट्रासाउंड में जो ध्वनि है, ठीक है, ऑसिलेशंस की आवृत्ति वो कितनी है, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, उसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, और हमने पढ़ा यहाँ पर एड्स का इंक्यूबेशंस के बारे में, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट था रोग निदान के लिए, लेकिन अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करते हैं एक्सपर्ट्स के अंदर, बहुत सारी आपको क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है, टॉपिक वाइज, थ्योरी वाइज, लाइव क्लासेस, डेली के टेस्ट आपको जहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, 6 से 7 हज़ार MCQ सीरीज आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगी, तो हर एक चीज़ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। प्रीवियस पेपर सोल्यूशन अदर स्टेट का, विद द फार्मासिस्ट का आपको मिल जाएगा, मॉक पेपर, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको मिल जाएगा। सिंपल आपको व्हाट्सएप करना है, ठीक है, और अपनी तैयारी अच्छे से करनी होगी, काफ़ी ज़्यादा कैंट पोस्ट आपकी उत्तर प्रदेश में अभी निकली गई है, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश या फिर किसी भी स्टेट के लिए तैयारी करें तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहेगी। चलिए, जय हिंद।